एडसोर्प्शन आइसोथर्म से आप क्या समझते हैं और ये कितने टाइप्स का होता है। नमस्ते, मेरा नाम अमित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ एडसोर्प्शन आइसोथर्म। अब आपने पढ़ना है कि एडसोर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले हमारे पास क्या है, पहले हम पढ़ेंगे एडसोर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, फिर हम क्या पढ़ेंगे बताओ भाई, टाइप्स ऑफ एडसोर्प्शन आइसोथर्म। तो पहले क्या है एडसोर्प्शन आइसोथर्म की डेफिनेशन। व्हाट इज आइसोथर्म? आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब हीट, यानी कि एडसोर्प्शन को आपने स्टडी करना है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। क्या तुम क्या कहेंगे, वेरिएशन ऑफ एडसोर्प्शन विद प्रेशर, कि प्रेशर के साथ एडसोर्प्शन कैसे वेरी करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी हम क्या करेंगे, हमने मान लिया एक चैम्बर लिया, नहीं आपको सुन, इसमें आपने क्या भर दिया, कोई एडसोर्बेंट, और यहाँ क्या कोई एडसोर्बेट। तो एडसोर्बेंट और ये क्या है, एडसोर्बेट। टेम्परेचर हम क्या रखेंगे, सेम, ताकि आइसोथर्म। पहले हम क्या देखेंगे कि एक गिवन प्रेशर पे कितनी गैस एडसोर्ब होती है पर ग्राम एडसोर्बेंट। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा क्या बढ़ाएंगे, प्रेशर, फिर देखेंगे। नहीं, अब प्रेशर और बढ़ाओ और बढ़ाओ, टेम्परेचर सेम रखो लेकिन देखो प्रेशर बढ़ाने के साथ पर ग्राम ऑफ एडसोर्बेंट कितनी गैस एडसोर्ब होती है। एडसोर्प्शन बढ़ता ही घटता, हमको पता भाई, प्रेशर बढ़ाने से बढ़ता तो है ही, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या भाई, तो कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हुए प्रेशर बढ़ा बढ़ा के देखना है और देखना है एडसोर्प्शन कैसे बिहेव करता है। तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, तुम क्या बोलेंगे, प्लॉट ऑफ एक्स बटे एम। एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड, एम क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। आपको मास ऐसा क्यों लिया बोलो भाई, एक्स गैस नहीं, मैं कहूं एम ग्राम के ऊपर एड्सॉर्ब हुई है एक्स, 1 ग्राम पे कितनी एड्सॉर्ब हुई, एक्स बटे एम। तो अमाउंट ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट आ गया आपको, अमाउंट ऑफ गैस एडसोर्ब पर ग्राम ऑफ एडसोर्बेंट वर्सेस प्रेशर। प्रेशर बढ़ा के देखना है और देखना भाई कि एक्स बाई एम कैसे बिहेव करता है। इन कर्व्स को हम क्या बोलेंगे, एडसोर्प्शन आइसोथर्म कर्व्स आ गया आपको उपकार। अब क्या हमारे पास टाइप्स ऑफ एडसोर्प्शन आइसोथर्म, आपको हो गए। अब एडसोर्प्शन आइसोथर्म के कितने टाइप्स होते हैं, क्या भाई कितने टाइप्स होते हैं, तो मैं आपको बताऊं भाई, आप कोई भी गैस ले लो, कोई भी क्या ले लो, एडसोर्बेंट, अगर आप प्रेशर लगाओगे ना सेम टेम्परेचर पर, आप प्रेशर बढ़ा बढ़ा के देखो और देखो पर ग्राम ऑफ एडसोर्बेंट कितनी गैस एडसोर्ब होती है, और ग्राफ आप लिखोगे ना, तो आमतौर पे कमोबेश हर बारी ग्राफ आपको इन पांच टाइप में से मिलेगा। क्या मिलेगा, या तो एडसोर्प्शन वर्सेस प्रेशर ऐसा ग्राफ आता है, या एडसोर्प्शन वर्सेस प्रेशर ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ। देखो यहाँ पर तो क्या है, पहले बढ़ता 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 मैक्सिमम, फिर क्या हो गया सेचुरेट। यहाँ पहले बढ़ता है, फिर थोड़ा सेम सा रहता है, फिर बढ़ता है, यहाँ पर बढ़ता ही रहता है एक्सपोनेंशियली। यहाँ क्या होता है, पहले बढ़ता है फिर थोड़ा सेम रहता है, फिर बढ़ता है फिर थोड़ा सेम रहता है। नहीं आपको, यहाँ क्या होता है, पहले आराम से बढ़ता है, फिर स्पीड से बढ़ता है, फिर आराम से बढ़ता है, फिर क्या होता है आपको। तो आमतौर पे आप कोई भी कह लो एडसोर्बेंट, कोई भी कह लो एडसोर्बेंट, तो उसका सेम टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे एडसोर्प्शन का एडसोर्प्शन अमाउंट ऑफ गैस एडसोर्ब पर ग्राम वर्सेस प्रेशर इन पांच में से आएगा। तो इनको बोलते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। तो आइसोथर्म के कितने मेन ग्राफ कितने होते हैं बताओ, तो आइसोथर्म मेनली पांच टाइप का होता है,
1 2 3 4 5 आ गया आपको ये? ठीक है, नहीं आपको? और मैं आपको बताऊँ, जो ये वाला होता है ना भाई, ये पता कौन सा होता है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन, सॉरी केमिकल एड्सॉर्प्शन। कौन सा होता है मेरे पास? ये केमिकल, प्योरली केमिकल। तो बताओ, क्वेश्चन बताओ मुझे, बताओ क्या ये वाला जो कर्व है ये किसके लिए है? केमिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, बोथ, नन? केमिकल। नहीं आना आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।